So in this example, there is a 100 meter tall building and the man is standing on the top of the building. Now the man has thrown the ball in a vertically upward direction like this, let's say with a velocity of 5 meter per second. So is my initial velocity of the ball. अब क्या होगा, बॉल कुछ ऊपर जाएगा कुछ ऐसे, फिर बॉल की वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगी एंड देन द बॉल स्टार्ट्स कमिंग डाउन. अब जैसे ये बॉल नीचे आएगा तो इट्स गोइंग टू हिट द ग्राउंड हियर. नाउ इट हिट्स द ग्राउंड हियर. अब पूछा हुआ है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड. सो टोटल टाइम रिक्वायर्ड पूछा हुआ है. सो टाइम ये पूछा हुआ है. अब इसके बहुत सारे मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो हम लोग अभी एक लंबा वाला मेथड देखते हैं. लेट्स से मेथड वन. सो द मेथड वन क्या होगा, बॉल पहले यहाँ से ऊपर जाएगा, इसको कुछ टाइम लगेगा लेट्स से टी वन, फिर बॉल यहाँ से वापस इस पॉइंट तक आएगा लेट्स से इसको टाइम लगा टी टू, फिर इस पॉइंट के बाद ये बॉल यहाँ पे आएगा लेट्स से द टाइम टेकन इज टी थ्री. तो मेरा टोटल टाइम होगा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री. अब लेट्स इस पॉइंट को मैं लिखता हूँ ए, इस पॉइंट को लिखता हूँ बी, इस पॉइंट को लिखता हूँ सी एंड ये पॉइंट को लिखता हूँ डी. अब ए एंड सी ये दोनों सेम पॉइंट्स हैं. अब यहाँ पे देखो हाउ टू फाइंड दिस टी वन. अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट करेगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड. अब मैं इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लेता हूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो इट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब मैं पहले टाइम T1 की वैल्यू निकालता हूँ. तो अब T1 के वैल्यू के लिए आई सपोज टू एनालाइज फ्रॉम A टू B का मोशन. अब यहाँ पे A टू B में बॉल का इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हियर इज 0 बिकॉज द बॉल इज एट रेस्ट. तो यहाँ पे A टू B मोशन के लिए द इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, देन फाइनल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो इफ आई वॉन्ट टाइम देन टाइम इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो वी इज इक्वल टू 0, यू इज इक्वल टू 5, माई एक्सेलरेशन इज माइनस 10 इंटू टी. सो टी इज गोइंग टू बी 0.5 सेकंड. सो हियर द टाइम टी वन इज इक्वल टू 0.5 सेकंड. नाउ ऑल्सो कैलकुलेट द हाइट एच अबाउट द बिल्डिंग द बॉल कुड रीच. तो यहाँ पे लेट्स से दिस हाइट इज h, देन आई कैन यूज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. हियर द वेलोसिटी द फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 5, सो इट इज 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू हाइट h. सो हियर h इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 20. सो इट इज इक्वल टू 1.25 मीटर. तो ये कुछ 1.25 मीटर ऊपर जाएगा. अब यहाँ पे आप देखोगे नाउ दिस कम्स डाउन बाय 1.25 मीटर. सो नाउ फॉर द पार्ट बी सी, सो फॉर द पार्ट बी सी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्टिंग डाउनवर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी इज 1.25 मीटर विच इज माई मैक्सिमम हाइट हियर. सो माई मैक्सिमम हाइट हियर एच विच इज इक्वल टू 1.25 मीटर. तो अब यहां पे देखोगे तो आई नीड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी हियर वी. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. सो आई एम गोइंग टू यूज पॉजिटिव साइंस फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ. सो आई विल राइट वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 1.25 विच इज इक्वल टू 25 एंड वी इज इक्वल टू 5. सो नाउ the velocity here is equal to 5 meter per second. So velocity here is equal to 5 meter per second. So now for part CD, the initial velocity is equal to 5 meter per second. The acceleration due to gravity is again acting downward. So acceleration is acting downward, which is 10 meter per second square. And the height of the building is 100 meter. So itna distance travel karega yahan pe. तो यहाँ पे मैं जब पुट करता हूँ तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर.
अब यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑल ऑफ देम दे आर इन द सेम डायरेक्शन सो आई कैन यूज पॉजिटिव साइन हियर सो फॉर दिस एस इट इज 100 इज इक्वल टू यू विच इज 5 मीटर पर सेकेंड इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वेयर तो अब यहाँ पे बनेगा 5 तो टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो So if I solve this quadratic equation, I'll get t is equal to 4 second or t is equal to minus 5 second. Now t is equal to minus 5 second, it is not valid. So the time t3 is equal to 4 seconds. Here the total time is equal to t1 plus t2 plus t3. Ab yahan pe aap dekhoge, to I haven't calculated the value of t2. Ab t2 ki value kitni hogi? अब यहाँ पे आप देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 फाइनल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड द एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो आई कैन यूज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी इन हियर द वेलोसिटी इज 5 इज माय फाइनल वेलोसिटी हियर द इनिशियल वेलोसिटी इज 0 द एक्सेलरेशन इज 10 टी सो द टाइम इज इक्वल टू 0.5 सेकंड्स सो नाउ इन दिस एग्जांपल द t2 इज इक्वल टू 0.5 सेकंड्स t1 इज इक्वल टू 0.5 सेकंड्स And the T3 is equal to 4 seconds. So if I sum these all, I'll get 4 seconds plus 0.5 seconds plus 0.5 seconds, which is equal to 5 seconds. So my answer will be 5 seconds. So the total time required for the ball to reach to the ground is 5 seconds.